गाइस स्कूल में बारिश का पानी भरा हुआ है कोर्ट पे। गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और गाइस फाइनली हमारे यहाँ बारिश रुक चुकी है मुजफ्फरनगर में। पूरे चार दिन से लगातार बारिश पड़ रही थी, पर अभी पता नहीं कि पड़ सकते किसी भी टाइम। देखो पुणे में पानी पानी सब जगह भाई, जीवन अस्त व्यस्त कर रखा था बिल्कुल खतरे वाला। अब थोड़ी सी राहत मिली है भाई। स्टेडियम में हमारे यहाँ भर्ती भी चल रही है, उसका पता नहीं क्या हो रहा होगा। और अभी मैं जा रहा हूँ अपने स्कूल में खेलने बैडमिंटन, क्योंकि यार मेरा खेलने की इच्छा हो रही है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। क्योंकि जो मेरे स्कूल की टीम है ना, वो परसों 27 को खेलने जा रही है नोएडा खेलने बैडमिंटन, तो थोड़ी सी उनकी प्रैक्टिस कराएंगे और थोड़ा सा अपना भी मज़ेदार खेलेंगे। चलो चलते हैं फटाफट। गाइस स्कूल में बारिश का पानी भरा हुआ है कोर्ट पे, इसलिए हम वापस जा रहे हैं। कैंसिल हो गए प्लान। यहाँ पे पढ़ रहा था और एकदम से ही बाहर धूप निकली थी, एकदम चार दिन बाद धूप निकली थी और एकदम से ही वापस से मौसम खराब हो गया। ये दो दिन की चांदनी थी, पता नहीं यार कब मौसम साफ होगा। चार दिन हो गए, चार दिन। अभी हम थोड़ा सा अपना पढ़ रहे हैं, क्योंकि आज जो मेरा रूम है उसमें चल रही है सफाई, मतलब मेरा थोड़ा सा काम वाम चल रहा है उसमें। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? और आज है पितृ अमावस्या, हमने पूजा तो कर ली है। अब मैं पक्षियों को खाना देना है, मतलब जो हमने पूजा है तो मैं यहाँ पे रख दूंगा जगह पे पूरे छत पे, तो ये पक्षी आएंगे और वे खा लेंगे इसे। और पर आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, मतलब बारिश का ही, क्योंकि आज बताया मैंने आज चौथा है पांचवा दिन है बारिश का, लगातार बारिश पड़ रही है। चलो देखते हैं, अभी मैं रखता हूँ पहले तो। पूरी छत पर काई सी जमगी लगातार चार दिन की बारिश, चार या पाँचवें दिन की देखो काई सी जमने लगी। अब थोड़ा सा इधर इस साइड साफ सा है, इसलिए इधर रख देता है। ये मैंने यहाँ पे लगा दिया सारे। सो गाइस अभी हम खा रहे खाना, और खाने में दाल खीर और रोटी और चावल भी है, और घी बुरा भी है, जो खाना चाहे वो खा सकते हैं हम। हे गाइस, आज हमारे घर में आई है शेरावाली माता, उनके हम आज संजीव माता लगाई हमने, क्योंकि कल से नवरात्र स्टार्ट हो रहा है ना। और ये जो गणेश जी है ये मेरी बहन ने बनाए हैं, देखो कितने प्यारे लग रहे। ये लड्डू बना के उसने फिर पता नहीं कैसे कैसे करके ऐसे कर दिया डेकोरेट। दो चांद बनाए इसने, आपने कहीं देखे नहीं होंगे, दो चांद और एक सूरज है। और ये हमारी माता रानी। और कमेंट में जरूर बताना कि आपको कैसे लगा हमारा दरबार। और मैं इसी के साथ अपने ब्लॉग को एंड करता हूँ। आई होप आप सभी को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो चैनल करना सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।